बोरुंदा कस्बे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व भामाशाह उद्यमी करण सिंह राठौर, अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष अनाराम मेघवाल, पूर्व मंडल सदस्य भंवरराम मेघवाल, भाजपा के बहादुर सिंह राठौर, बोरुंदा भीम आर्मी अध्यक्ष सुखदेव जूरिया, प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह राठौर, आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह चाड़ ने पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की तथा कार्यक्रम में प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह राठौर, थानाधिकारी हुकमगिरी, नगर कार्यवाह दुर्गाराम सुतार ने संबोधित करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा उपस्थित सभी लोगों ने उनकी पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा से याद किया। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी रफीक अहमद कुरैशी, शिक्षाविद धर्मीचंद आर्य, छोटूराम जूरिया, सागर टेलर, रामदेव भंवरिया, मुकेश स्टाक, बेराराम जोशी, कुलदीप आर्य, भैरव सिंह, सुखदेव, छोटू राम जूरिया, हंसराज, रविटाग, भगवान राम भाटी सहित कई लोग मौजूद रहे। अम्बेडकर के समिति के अध्यक्ष अनाराम जी मेघवाल आज इसके माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर इनका कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने अपने जगह विराजे। अब मैं श्रीमान प्रधानाचार्य जी के वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन के बारे में, इनके आदर्शों के बारे में प्रकाश डाले। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और संयोजक ग्रामीण बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मनाने के निमित्त इनका जीवन और संघर्षशील रहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। कहा था देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस, यानी मेहनत और अभ्यास का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए देश और समाज की सेवा के लिए अपना वक्त दान कर किया है, ऐसे व्यक्तियों को सुख और आराम नहीं है, कार्य ही इनका सब कुछ है। हमें अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से पूरा करने की प्रबल लालसा होनी चाहिए, ऐसा इनके पूरे जीवन में अपन ने देखा है। नहीं जी, इस देश और समाज के लिए इन्होंने आज के दिन 14 अप्रैल 1991 में अपने मध्य प्रदेश के महू, क्योंकि वहाँ सेना में सूबेदार एक बहुत ही सम्मानित वहाँ पे उनकी सर्विस थी, वहाँ होता है। माता पिता, माता का नाम और इनके जीवन के संस्मरणों में इनके कटु अनुभव भी जो अपन देखते हैं वो बड़े पीड़ादायक थे। सबसे लेना होता है तो क्या देखते हैं कि इनको मना कर दिया जाता है, और बाद में जब अनुनय गणना करते थे तो सोचो बाकी बच्चों को भी सिखाने वाले विश्व उनमें अध्यापक भी कोई सवाल पूछते थे क्योंकि मेधावी थे ये, किसी को उत्तर नहीं आता था, इनका हाथ ऊपर होता था तो भी इनको सवाल नहीं पूछा जाता था, क्या केवल तुम्हें तो केवल सुनने के लिए अनुमति है, बाकी पढ़ने की अनुमति नहीं है। और वो उनको
सबसे पहले देखते हैं कि वो एक पार्क के अंदर पढ़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं पार्क के अंदर क्यों पढ़ रहे हो, अपने लाइब्रेरी है वहाँ बहुत सी किताबें हैं वहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो वो कहते हैं कि लाइब्रेरी में मेरा प्रवेश निषिद्ध है। हाँ, तो उनको भी बहुत बड़ा दुख होता है उस समय। क्या एक इतना प्रतिभाशाली छात्र हैं और इनको एक लाइब्रेरी में उतने के लिए भी मना किया जाता है। और वो फिर क्योंकि समाज सेवी भी केलुस्कर जी होते हैं तो वो उस समय बड़ौदा के शासक होते हैं सयाजी गायकवाड़ के पास ले जाते हैं और कहते हैं ये बहुत ही शहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी होता है वहाँ पे इनको छात्रवृत्ति देके वहाँ एडमिशन करवाया जाता है। वहाँ से वो बीए व एमए दोनों पढ़ाई करते हैं और उन्हीं के साथ साथ इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि इंग्लैंड की जो गणना करते थे तो सोचो बाकी बच्चों को भी सिखाने वाले विश्व में अध्यापक भी कोई सवाल पूछते थे क्योंकि मेधावी थे ये, किसी को उत्तर नहीं आता था, इनका हाथ ऊपर होता था तो भी इनको सवाल नहीं पूछा जाता था। क्या केवल तुम्हें तो केवल सुनने के लिए अनुमति है बाकी पढ़ने की अनुमति नहीं है। भारत माता की। आज इस मोंडा नगरी के पुराने पंचायत परिसर में भारत रत्न नॉलेज और सिंबल संविधान निर्माता श्री डॉक्टर अम्बेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज के इस 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष सेनाराम जी मेघवाल और भीम आर्मी बोर्ड के तत्वाधान में 121वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान भामाशाह समाज सेवी करण सिंह जी मेड़तिया, बहादुर सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी और भीमराव अंबेडकर के समिति के अध्यक्ष अनाराम जी मेघवाल, आज इसके माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर इनका कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने अपने जगह विराज है। अध्यापक भी कोई सवाल पूछते थे क्योंकि मेधावी थे ये, किसी को उत्तर नहीं आता था, इनका हाथ ऊपर होता था तो भी इनको सवाल नहीं पूछा जाता था। क्या केवल तुम्हें तो केवल सुनने के लिए अनुमति है बाकी पढ़ने की अनुमति नहीं है। गणना करते थे तो सोचो बाकी बच्चों को भी सिखाने वाले विश्व में